हाथ उठा करके इनके लिए तालियां बजाइए। राम राम सभी को, मेरी माओं को, बहनों को, मेरे बुजुर्गों को। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया और यहाँ पर बुलाया। हरियाणा को देखकर तो एक बहुत ज्यादा साहस भी मिलता है और हमारे पंजाब वालों को बहुत कुछ सीखने के लिए चीजें भी मिलती हैं। सोनिया मान, जब हम पंजाब में जाते हैं तो हम आपकी एग्जांपल, आप लोगों की बातें करते हैं वहाँ पर। देखिए, एक तरफ हरियाणा है जिसने अपने इस टाइम सीएम को बीजेपी सरकार होते हुए भी खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, तो यहाँ पर आप लोग पंजाब में सियासी रैलियां कर रहे हो। हम लोग वहाँ पर जाकर हरियाणा की एग्जाम्पल देते हैं। देखिए हरियाणा का जज्बा देखिए आज, जो कि एक बॉर्डर के ऊपर एक जज्बे के साथ बैठे हैं और एकजुट होकर चलते हैं। तो हम मान महसूस करते हैं कि जब हम हरियाणा की ऐसी महापंचायतों पर आकर हमें इतना मान सम्मान दिया जाता है और हम यहाँ पर आके बैठे हैं और यहाँ पर आके किसानी बातें करते हैं। मैं तो ये पंजाब में जब हमने पीछे मैंने एक छोटा सा योगदान डालने की कोशिश की थी, एक महापंचायत करवाने की कोशिश की थी अमृतसर में, क्योंकि हमारा जो माझा एरिया है वहाँ का, पंजाब को डिफरेंट एरियाज के साथ माना जाता है, तो वो बहुत पीछे था, अभी तक वहाँ से लोग निकल नहीं रहे। तो मेरा मन था, इसलिए खंडेरा था वाले प्रधान जी और ये सब लोग वहाँ पर अपनी बसें भर के लेके आए थे मोटिवेट करने के लिए हमारे पंजाब के और अमृतसर के लोगों को। तो मेरा इरादा था कि 15-15, 20-20 लोग हरियाणा के हमारे पंजाब के गांव में चले जाने चाहिए मोटिवेट करने के लिए। जो आपके यहाँ पर कल्चर है आज भी खाप प्रधान का, जो पंचायतों के खाप प्रधान वाले डिसीजन लेते हैं, वो हमारे पंजाब में नहीं है। वो हमारा पंजाब बहुत एडवांस हो गया, इस वजह से वो सारी चीज़ें निकल गई। तो हरियाणा की संस्कृति से हम बहुत कुछ सीखने के लिए इस आंदोलन में मुझे भी मिला है और हम पंजाब वालों को भी सिखाते हैं कि जो यहाँ पर इस एक तरह का रवाज है हरियाणा में हम खा पंचायतों का, जिस तरीके से जिसके आगे पॉलिटिकल पार्टीज भी आकर झुकती हैं, खा प्रधान और खा पंचायतें जब सरपंच कोई भी डिसीजन ले लेते हैं उसके आगे किसी को भी आके झुकना पड़ता है, वैसा ही जो सब कुछ रवैया है हमारे पंजाब में भी होना चाहिए, ताकि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम जो इतना हावी है हमारे पंजाब में वो भी थोड़ा कम हो सके। सो मैं सबसे पहले तो सल्यूट करती हूँ हरियाणा को, जिन्होंने अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को अभी तक संभाल के रखा हुआ है। और एक जो यूनिटी देखती हूँ मेरी माओ बहनों में और सभी में, जो एक एकजुट होकर विदाउट एनी कास्टिज्म, आपके यहाँ पर किसी भी मैं जाके आंदोलन में किसी टेंट में भी जाकर देखती हूँ तो आपके यहाँ पर भगत सिंह की फोटो मिलती है मुझे, छोटू राम जी की मुझे फोटो मिलती है। आपके यहाँ पर कोई धर्म की बातें नहीं होती, सबसे अच्छी बात है ये हरियाणा की, कि जहाँ पर धर्म जात के नाम पर इतनी बंटवारा नहीं होता। देखिए पॉलिटिकल सिस्टम ने आज, बीजेपी सरकार अगर बोले, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसने हमारे आंदोलन को धर्म जात के नाम पर बांटने की कोशिश की, फिर हरियाणा के FIL के मुद्दे को बांटने की कोशिश की। अब बहुत ज़्यादा जोर लगा हुआ है IT सेल्स का और हमारे सोशल मीडिया के ऊपर कि ये जो कॉमरेड वर्सेस सिख लहर एक इन्होंने आजकल चला रखी है कि कॉमरेडों के खिलाफ बोलते हैं, तो उसमें से मुझे भी एक निशाना बनाया जाता है, क्योंकि मेरे जो फादर थे वो कॉमरेड थे और कीर्ति किसान यूनियन के किसान आगू थे, तो मेरे ऊपर भी एक निशाना साधा जाता है कि ये कॉमरेड नहीं है। चाहे आपकी विचारधारा कुछ भी हो, बट आपके जो बाप का नाम आपके साथ जुड़ा होता है ना, वो चीज़ को लेके चलते हैं। बट मैं ये मानती हूँ कि अगर सभी धर्मों की इज्जत करना, अगर सभी लोगों को इकट्ठे लेके चलना कॉमरेड बोला जाता है, तो मैं कॉमरेड हूँ। अगर लेनिन की किताब पढ़ के कोई अच्छी सीख लेना अपने कल्चर में से, अपनी किताबों में से, तो फिर मैं कॉमरेड हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे कॉमरेड बोले, हिंदू बोले, मुस्लिम बोले, मुझे ये पता है आज मैं किसान की बेटी हूँ और किसान के हकों के लिए बात करती रहूंगी जब तक हमारे 3 काले कानून रद्द नहीं हो जाते। सोनिया मान ने एक बात बोली थी कि मैं बॉर्डर के ऊपर बैठी रहूंगी, चाहे वो 26 थी, सबसे आगे टिकरी बॉर्डर पे गई थी और सबसे पहली गोली मैंने बोला था, अगर कोई लगेगी मेरे किसान बाप को नहीं लगेगी, मुझे लगेगी, मेरी आगे छाती रहेगी। छोटी सी बच्ची के जो मैंने अल्फाज सुने तो मुझे अपनी झलक नजर आई थी, ये बातें मैं
कुछ इससे भी सीखने के लिए मिलना चाहिए, ये बातें मैं करती थी। मैंने बचपन से लेके अब तक अपने बाप को तो नहीं देखा, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी खोल ले दोनों पिलाई, बट मैं ये मानती हूँ कि मैं रोज अपने बाप की छवि इनमें देखती हूँ और इनकी सेवा करना जानती हूँ, इसीलिए मैं बॉर्डर पे बैठी हूँ। इसी तरह से हमारी माओं को, हमारी बहनों को निकल के मेरे जैसे यूथ, मैं अपने आप को अकेला पाती हूँ जब निकली बॉर्डर पे, तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरी बहनों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारा आंदोलन जो है बहुत सेफ है, वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, इतनी इज्जत मान सम्मान दिया जाता है हर एक बात पर जो एक मोर्चे पे बात होती है, और हमारे मोर्चे को दिखाया ही नहीं जाता, नेशनल मीडिया तो हमारे मोर्चे को दिखाते ही नहीं है। बहुत सारी मुझे बॉम्बे से या बहुत सारे बंगाल से, जहाँ हर जगह से मुझे कॉल आती है साउथ की तरफ से कि आपके आंदोलन के बारे में कोई खबर नहीं आती, कोरोना की बातें हो रही हैं, तो हम ये बोलते हैं कि कोरोना देखिए बंगाल में इतनी बड़ी बड़ी बीजेपी की रैलीज हो रही हैं, वहां पर हम पूछना चाहते हैं मोदी जी वहां पे कोरोना नहीं है? जब हमारे पंजाब में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की पोती की शादी होती है वहां पर कोरोना नहीं है? कोरोना सिर्फ वहां पर है जहां पे किसान आंदोलन करता है, और अगर इनको इतनी परवाह है कि कोरोना है, चलो हम मानते हैं कि बीमारी होती है, तो सबसे पहले किसान की सेहत से ऊपर कोई चीज नहीं होती, सबसे पहले इनको हमारे बिल रद्द कर देने चाहिए और बोलना चाहिए आप घर जाइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, बिल किसी की भी किसी किसान की जान की कीमत से ऊपर नहीं है, हमें ये जवाबदारी इनके से मांगनी चाहिए। और जो भी कोई बोलता है उनका सोशल अकाउंट बंद कर देते हैं, उसके ऊपर ईडी के पर्चे डाल देते हैं, उनको धमकियां देनी शुरू कर देते हैं, उनके आईटी सेल बने हुए हैं गवर्नमेंट के जो हमारे ऊपर वार करना शुरू कर देते हैं। बट मैं यही कहना चाहूंगी, हरियाणा से हमें बहुत बड़ी सीख मिली है पंजाब वालों को, और ये जो इतने टाइम से हरियाणा पंजाब के बीच में ये पॉलिटिकल पार्टीज ने एक लीक खींच के रखी थी, वो हमने पार कर दी है। आज हरियाणा और पंजाब का जो जज्बा है एक साथ जुट लड़ने का, वो हमेशा इसी तरीके से रहेगा, चाहे वो आज किसान आंदोलन है, किसान मोर्चा है, कल को कोई भी मोर्चा होगा, हमेशा पंजाब हरियाणा के साथ मिलजुट के चलेगा, भाई भाई बन के चलेगा, चाहे पंजाब को जरूरत है हरियाणा रहेगा। हमारी तो हम इस तरह से रिश्तेदारियां सोचते हैं कि पंजाब को हरियाणा में आना चाहिए, हरियाणा को पंजाब में आना चाहिए, इसीलिए अमृतसर में हमने पहली ऐसी रैली की थी, महापंचायत की थी, जहां पर हमने हरियाणा को भी बुलाया था और आगे भी बुलाएंगे, ताकि हम यही जो हरियाणा का कल्चर है, ये जो खाप प्रधानों का, खाप पंचायतों का कल्चर है, ये हम अपने पंजाब में भी लेके आ सकें, हम भी आप लोगों से सीख सकें कि इतनी यूनिटी, इतनी जो जज्बा है आप में एक धर्मवाद से ऊपर उठ के जो लड़ने का, वो हमारे अंदर भी इस तरह से भर सके, हमारे अंदर से भी ये जो छोटी मोटी बातें हैं वो निकल सके। तो ये आखिर में यही नारा लगाना चाहूंगी, हरियाणा पंजाब एकता जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। एक हाथ जोड़ के बेनती करना चाहती हूँ कि हमारे पंजाब की बहुत सारी जथेबंदियां हैं, किसान लीडर हैं, हम वहां पर जाते हैं, बहुत सारे लोग कूट प्रचार करते हैं सोशल मीडिया पे हमारे जथेबंदियों के लीडर्स के खिलाफ, बहुत कुछ बोलते हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि ये लोग हमारे पिलर हैं, ये हमारे लिए बात करते हैं गवर्नमेंट के साथ, तो हमें उनकी बात माननी चाहिए, उनके अपने जो लीडर हैं उनके अकॉर्डिंगली चलना चाहिए, कोई भी कूट प्रचार जो सोशल मीडिया पे होता है उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। हमारे हरियाणा के यूथ को भी साथ मिलके पंजाब के यूथ को एक जथेबंदियों के साथ में चलना चाहिए, कोई भी कॉल आती है जो डिसीजन मेकिंग जथेबंदियों की तरफ से आती है वो हमें सुन के आगे करना चाहिए, बस यही बेनती है, ताकि हमारा आंदोलन अच्छे शांतमय तरीके से चलता रहे। धन्यवाद जी सोनिया मान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में भाई रवि आजाद हमारे बीच आ